नमस्कार दोस्तों, मैं विनय मंडारी। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, बैंक निफ्टी में हमने एक स्ट्रेटजी बनाई, वो हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे रही है। निफ्टी में जो स्ट्रेटजी बनाई वो भी बेनिफिट दे रही है, और बाकी जो भी स्ट्रेटजीज हमारी चल रही हैं अभी, सब हमें एक थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बेनिफिट बना के दे रही है, क्योंकि हम हेजिंग करते हैं। हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए होता है हेजिंग में, थोड़ा थोड़ा भी मिलेगा तो भी चलता है। अब अगर आज आप देखेंगे तो आज अभी मार्केट चालू है, मार्केट में आप ये समझिए कि मैं आपको एक स्ट्रेटजी अभी वीडियो बना रहा हूँ स्ट्रेटजी के ऊपर। स्ट्रेटजी क्या है इसे समझिएगा। स्ट्रेटजी बनाएंगे हम अपोलो हॉस्पिटल में। हमारा व्यू क्या है, अपोलो हॉस्पिटल में हमारा व्यू है कि आने वाले कुछ दिन में अपोलो हॉस्पिटल एक रेंज में काम करेगा। सही है, इसका ही हमने फायदा लेना है। एक रेंज बाउंड काम करेगा अपोलो हॉस्पिटल, उसके हिसाब से हमने काम करना है। तो मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे। ओके, देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि मैं अपोलो हॉस्पिटल क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे मेंटरशिप बैच में हैं, वो सब जानते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल को मैं क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ। सही है, लेकिन आप अगर सीखना चाहते हैं कि मैं अपोलो हॉस्पिटल को यहाँ पर क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप मेरे को व्हाट्सअप करिएगा। ओके, तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए, ये मैं लेके आगे आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, यहाँ आप देखेंगे ये अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है, डेली चार्ट मैंने लगा रखा है। लेकिन मेरे को इंट्राडे नहीं करना है, मेरे को क्या पोजिशनल काम करना है, कुछ दिन का व्यू लेके पोजिशन बनानी है। तो व्यू क्या है इसे समझिएगा। सबसे पहले मैं अपोलो हॉस्पिटल में अपना व्यू क्यों बना रहा हूँ, देखिए मेरे को क्या लगता है आने वाले कुछ दिन में अपोलो हॉस्पिटल इस रेंज में काम करे, 5100 अपसाइड और डाउनसाइड में 4900, इसके बीच में अपोलो हॉस्पिटल काम करेगा। मतलब इसके बीच में एक रेंज में ही, एक दायरे में ही बना रहेगा अपोलो हॉस्पिटल, तो इसका ही मैंने फायदा लेना है। तो मुझे इसका फायदा कैसे ले सकता हूँ इसे समझिए। इसके लिए हम एक लो रिस्क स्ट्रेटजी बनाएंगे, जहां पर हमारा रिस्क कम रहे और प्रॉफिट होने की संभावना हमारी अच्छी खासी रहे। मतलब मेरे को लगता है कि मैं तो कहूंगा 110% हमें प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी में मिलना है। ओके, तो हम ट्रेड क्या बनाएंगे, देखिए, लेकिन ये मैं 110% कह रहा हूँ कि मेरे को 110% लगता है कि हमें प्रॉफिट होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये ट्रेड नहीं बनाना है। आपको केवल जो भी काम करना है अपने एडवाइस राय लेके करना है, सोच समझ के प्रॉपर तरीके से अपने फंड को समझते हुए ही स्ट्रेटजी बनानी है। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेटजी हम इस तरह से बनाते हैं जहाँ पर काफी रिस्क रखते हैं, लेकिन हमें अपना पता है कि क्या हम एडजस्टमेंट करेंगे कि अपने रिस्क को हम जीरो रिस्क पर लेके आ जाएंगे या प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेंगे अपने रिस्क को, हमें एडजस्टमेंट पता है। लेकिन अगर आप नहीं जानते हो, नए हो गए, फ्रेशर हो गए, या फिर एकदम बिगनर हो गए मार्केट में, नहीं पता एडजस्टमेंट क्या करना है, कैसे करना है, कब किस लेवल पर एडजस्टमेंट करना है, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइस राय लीजिएगा, केवल एजुकेशन के हिसाब से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सीखना अगर चाहते हैं बाजार में कैसे पैसा बनाना है, कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, तो वो हम आपको बना देंगे, वो हम आपको सिखा देंगे कि कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते। चलिए हम यहाँ आ जाते हैं, अपोलो हॉस्पिटल में। ये मैं अपोलो हॉस्पिटल में आ गया। अभी अपोलो हॉस्पिटल का भाव कितना चल रहा है हमारा, 4970 के पास में, 4970 हमारा अपोलो हॉस्पिटल चल रहा है। मतलब फ्यूचर कुछ 5000 समथिंग के आसपास होगा। सही है, मेरे को फ्यूचर देखने की जरूरत नहीं है, मैं स्पॉट से ही काम चला। सही, तो मेरा को क्या करना है, 5000 का कॉल जो है इसे सेल करना है और 5000 का जो पुट है इसे सेल कर। सही, मैंने क्या करा, 5000 का कॉल, 5000 का पुट, दोनों सेल कर दिया। अब दोनों मिला के टोटल अगर मैं करता हूँ, मेरे को कितना आता है, करीब 400 में 50 कम, मतलब 350, 350 पॉइंट के आसपास आ गया। तो मैं यहां से क्या करूंगा, 350 पॉइंट नीचे चले जाए, यहां से 350 पॉइंट नीचे जाते हैं तो 1, 2, 3 and 3, 5 इसे मैंने बाय करना है। लेकिन मैं 350 नहीं जाके 300 ही जाऊंगा, 300 का जा रहा हूँ, क्योंकि मैं रिस्क कम रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता ज्यादा रिस्क, मेरे को रिस्क ज्यादा नहीं रखना है, मुझे कम रिस्क पे काम करना। तो मैं यहाँ पर 300 पॉइंट नीचे जाके 4700 का पुट एक बाय कर लूंगा और 5000 से 300 पॉइंट ऊपर जाके 5300 का ये कॉल मैं बाय कर। सही है, तो मैंने क्या बना दिया, मैंने बना दिया आयरन फ्लाई। अब ये मेरा ट्रेड है। अब यहाँ आप देखेंगे तो मेरा रिस्क कितना है इसे समझिए। मेरा रिस्क है केवल 11000, ये मैक्सिमम रिस्क है, लेकिन हम कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके इस रिस्क को, अगर इस साइड आएगा तो कम कर लेंगे, अगर इस साइड आएगा तो कम कर लेंगे, फिर धीरे धीरे कम करते करते हम अपने रिस्क को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, अगर ये हमारी रेंज के बाहर जाता है उस कंडीशन में, इधर या इधर जब भी जाएगा तो हम कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके इसमें प्रॉफिट में आ जाएंगे। सही, प्रॉफिट हमारा कितना है मैक्सिमम, 26000। आप जानते हैं मैं हमेशा कहता हूं मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में कभी नहीं सोचना है हमने। हमें क्या चाहिए, हमारा मार्जिन कितना लग रहा है, 1 लाख। सही, 1 लाख
लाख का मार्जिन लग रहा है, तो हमें इसमें 3% मिल जाए आने वाले 5-6 दिन में, 3% मिल जाता है तो काफी है हमारे लिए, काफी है। लेकिन अगर हमें ये ट्रेड को मंथली बेसिस पे लेके जाना है, पूरे मंथली बेसिस पे, तो उस केस में हम कोशिश करेंगे कि 5% के आसपास हमें मिले, 5% मतलब 5000 के आसपास हमें प्रॉफिट बन जाए। ओके, तो ये हमारी स्ट्रेटजी है, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अगर अपोलो हॉस्पिटल में कोई वायरल मूवमेंट आता है, एक कोई अपसाइड डाउनसाइड कोई मूवमेंट आता है, तो एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइस रह लीजिएगा। ओके, तो ये केवल एजुकेशन पर्पज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अपोलो हॉस्पिटल में हम स्ट्रेटजी इस तरह से क्रिएट कर सकते। ओके, तो मेरे को लगता है कि इस स्ट्रेटजी में हमें प्रॉफिट हो सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप सीखना चाहते हैं, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम आपको एकदम परफेक्ट, जिसे बोलते हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बोलते हैं, उस तरह से हम आपको तैयार कर सकते हैं। हमारी जो कोर्स होता है 3 महीने का, 3 months का हमारा कोर्स रहता है। 3 महीने हम आपको सिखाते हैं, 1st month, 2nd month, 3rd month, सही है। अब 3 महीने की हमारे जो ट्रेनिंग रहती है, इसमें हम आपको पूरा परफेक्ट बना देते हैं कि कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऑप्शंस ट्रेडिंग में बन सकते हैं आप, सही है। बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती है जहां पर हमें चार्ट देखने की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारी स्ट्रेटजी ऐसी होती है जहां पर हम चार्ट देखते हैं, चार्ट का भी हमने सब ऑटोमेटेड बना रखा है, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपको अगर ऑप्शन सेलिंग सीखना है तो बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस जिसे बोलते हैं वैसी उसकी जरूरत नहीं है, आप आराम से बाजार से पैसा बना सकते हैं। देखिए अब ये 3 महीने की जो ट्रेनिंग की फीस है, इसकी हमारी 15,000 ट्रेनिंग की फीस रहती है। हम एक साथ ट्रेनिंग की फीस नहीं लेते, हमारी फीस है 5,000 रुपीज मंथली। आपको पसंद आता है तो 2nd month आप ज्वाइन करिए, 3rd month ज्वाइन करिए, इसलिए हम 5,000 मंथली लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम जो सिखाएंगे आप 2nd महीने, 3rd महीने, 4th महीने भी सीखना चाहेंगे, सही है। तो 3 महीने में अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आप सीखते हैं प्रॉपर तरीके से काम करना कि कैसे हम बाजार से ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। देखिए आप अगर यूट्यूब में हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रॉपर अगर आप वॉच रख रहे हैं हमारी स्ट्रेटजी में, तो आपको दिख रहा होगा कि 90% हमारी स्ट्रेटजीज प्रॉफिट में ही रहती है। 90% क्यों प्रॉफिट में रहती है? क्योंकि हम बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा टेक्निकल्स की जरूरत नहीं है हमें। हमें बस कुछ चीजें पता है कि हमें इस चीज को समझना है, उसके हिसाब से हम पैसा बना सकते हैं। तो आपको भी अगर सीखना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, इस बात से आप बेफिक्र रहिए। आप सीखने के लिए तैयार हो, सिखाएंगे हम, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम आपको बनाएंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।